सो रिलेटेड टू फंक्शन रिटर्न टाइप्स, जनरली किसी भी फंक्शंस के थ्रू एट ए टाइम ओनली सिंगल वैल्यू रिटर्न करना पॉसिबल है। दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल आर्गुमेंट सप्लाई करना पॉसिबल है। अगर आप कॉमा के थ्रू मल्टीपल आर्गुमेंट प्रोवाइड करोगे लाइक रिटर्न सम एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 लाइक दैट। इसके अगर सिंटेक्टिकली बात करें, सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट कैसा है, वैलिड स्टेटमेंट, देयर इज नो एरर्स। लेकिन इस केस में जब भी आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को प्रोसेस करोगे, प्रोसेसिंग करने के रिस्पेक्ट में कॉमा के अकॉर्डिंग, कॉमा के बाइनरी ऑपरेटर मीन्स इस कंप्लीट थिंग को कंसिडर करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व क्या होगा इस केस में, फर्स्ट एक्सप्रेशन, देन पुट क्या करें इस प्लेस पर, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉमा, देन प्रोसेस क्या हुआ, सेकंड एक्सप्रेशन, पुट क्या हुआ इस प्लेस पर, रिजल्ट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन, देन सिमिलरली रिजल्ट ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन, रिजल्ट ऑफ लास्ट और थ्री एक्सप्रेशन। कॉमा के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेम रूल फॉलो हुआ, सेम एज वी आर परफॉर्मिंग इन ड्यूरिंग लूप्स और इफ स्टेटमेंट्स, मीन्स सॉल्विंग गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन फाइनली इसे रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू ऑफ लास्ट आर्गुमेंट। दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ कॉमा ऑपरेटर नॉट अ रिटर्न, मीन्स रिटर्न के केस में रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ओनली सिंगल वैल्यू। अगर कॉमा से ऑपरेटेड मल्टीपल वैल्यू देन रिटर्न क्या करेगा, ओनली वैल्यू ऑफ लास्ट आर्गुमेंट। फर्स्ट वन एग्जाम्पल वन, सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया एम वन, जैसे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में वेरिएबल क्रिएट हो रहा सिंपली रिजल्ट, तो रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या, समथिंग गार्बेज, कॉल क्या हो रहा है एम वन। जैसे इस केस में एम वन फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल सेंड हुआ बॉडी ऑफ एम वन, एम वन के अकॉर्डिंग रिटर्न स्टेटमेंट में थ्री वैल्यूज प्रोवाइड किए, प्लस ए डायरेक्टली लिटरल वैल्यू नॉट अ एक्सप्रेशन, मीन्स फर्स्ट कॉमा केस में फर्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे लेकिन स्पेस पर मीन्स वन कहीं आसानी नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम प्रोसेस क्या हुआ टू, टू भी कहीं आसानी रहा, मीन्स सबसे लास्ट में क्या रिप्लेस हो रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर आ जाए थ्री, इसलिए लास्ट वैल्यू रिटर्न क्या हुआ स्पेस पर एस थ्री, मीन्स वैल्यू ऑफ लास्ट आर थ्री, थ्री असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, अब वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स थ्री, इसलिए प्रिंट एफ से फाइनली आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ रिजल्ट एस थ्री। दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। सेम है सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन स्पॉट गिव बाई यूजिंग इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन, सो बाई यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगेन मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे टू द लोकल वेरिएबल रिजल्ट, देन कॉलिंग एम वन, एम वन कॉल होने के अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड हेडर ऑफ द एम वन सिक्वेंस फोर, फिफ्थ केस में परफॉर्म किया और मेमोरी एलोकेशन ऑफ एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स का इनिशियल वैल्यू फाउंड हो रहा है वन, देन अगेन कॉमा सेपरेटेड टू एक्सप्रेशन, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें, फर्स्ट केस में फाउंड किया रहा प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले एक्स में इंक्रीमेंट होगा, देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज टू कॉमा, लेकिन टू को कोई आसानी के देन लीव इट। देन सेकेंड केस में क्या है, अगेन प्लस प्लस एक्स, प्री प्री है तो पहले एक्स में इंक्रीमेंट हुआ, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, देन रिप्लेस क्या हुआ थ्री। फाइनली इस केस में रिटर्न के अंदर लास्ट आर्गुमेंट या लास्ट एक्सप्रेशन क्या रिप्लेस हुआ थ्री, इसलिए रिटर्निंग भी क्या हुआ कॉलिंग प्लेस पर ऑल्सो थ्री। सिक्वेंस क्या है फाइव सिक्स सेवन, मीन्स सिक्वेंस इंपॉर्टेंट केस में, इस केस में फाइनली सिंपली रिटर्न क्या हो रहा है एम वन कॉलिंग प्लेस पर थ्री, थ्री इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, ना वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स थ्री, इसलिए इस केस में आउटपुट भी क्या प्रिंट होगा प्रिंट एप के थ्रू वैल्यू एस थ्री। लास्ट केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा है इंक्रीमेंट, सेकेंड एक्सप्रेशन का टाइप क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑफ का बेसिक बिहेवियर क्या था, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करने नीड नहीं हुई, प्लस इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आया आइदर ट्रू और फॉल्स, मीन्स आइदर जीरो और वन। लेट्स सी अगेन, अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट में क्या साइन होगा इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज, देन एम वन कॉल करेंगे एम वन के अकॉर्डिंग वन मोर वैल्यू क्रिएट होगा एज अ एक्स, एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या इस केस में फाइव। नेक्स्ट वन रिटर्न के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे फर्स्ट केस प्री पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट सिक्स, देन अगेन क्या फाउंड हो रहा है पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, x का वैल्यू क्या जाए सेवन। नेक्स्ट वन और ऑपरेटर, और के केस में फर्स्ट वैल्यू क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, ट्रू के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आएगा वन, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड कंडीशन टेस्ट करने नीड ही नहीं है। फाइनली इस सेकंड मीन्स इस केस में पास कर रहा सिक्स कॉमा वन, लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है वन, फाइनली इसे रिटर्न क्या हुआ कॉलिंग प्लेस पर वन, वन इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ वैल्यू ऑफ रिजल्ट एज वन। इस फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट क्या था थ्री, सेकंड केस में क्या थ्री, लास्ट केस में क्या थ्री। दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ
रिटर्न स्टेटमेंट, मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू मल्टीपल वैल्यू कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एज आर्गुमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल, लेकिन इससे रिटर्न किया होगा ऑलवेज वैल्यू ऑफ लास्ट आर्गुमेंट।